मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साई कॉस्मेटिक्स पुणे से और आज हम बात करेंगे डेंसिटी आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट और द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो द नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट्स द एरिया ऑफ नीड, रेसिपिएंट एरिया कितना है। अगर रेसिपिएंट एरिया बहुत बड़ा है तो डोनर एरिया तो हम सबके पास उतना ही है ना, सबके पास बराबर ही है। तो अगर रेसिपिएंट एरिया ज़्यादा बड़ा है, आपका खाली एरिया सर पे गंजा एरिया बड़ा है, तो डेफिनेटली डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ला के देना डॉक्टर के लिए एक कठिन कार्य है, असंभव तो नहीं है, कठिन। इसके बाद ये भी समझना पड़ेगा कि ज़रूरत के एरिया का, जिसको हम रेसिपिएंट एरिया बोल रहे हैं इधर, उसका डोनर एरिया से रिलेशन क्या है। अगर डोनर एरिया 4x है और रेसिपिएंट एरिया x है तो हम राजा हैं, हम चाहे जैसे उसको कवर कर सकते हैं, हम ज़्यादा डेंसिटी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर डोनर एरिया 4x है और नीड का एरिया 2x है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है या थोड़ा समझ के काम करना पड़ता है। और फर्ज करिए डोनर एरिया 4x है और नीड का एरिया 3x है, तो आप स्वयं समझदार हैं कि उस समय स्थिति क्या होगी। इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कितने बाल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर अच्छे दिखते हैं। डिपेंड करेगा आपके खुद के नॉर्मल बाल जो हैं उनको डॉक्टर एक स्कोप से, इस तरह का एक स्कोप है उसको यूज़ करेगा और आपको बताएगा कि आपके प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर कितने बाल हैं। उन बालों के हिसाब से अगर वो आपका ट्रांसप्लांट करता है तो अच्छा होगा। यूजुअली ह्यूमन हेड में 70 से लेके 110 115 तक बाल होते हैं और इस थ्योरम को हमेशा सच नहीं माना जा सकता। कई बार जब एरिया बड़ा करना है, पीछे से कम मिल रहे हैं, तो 70 बाल भी अगर हम एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे लगा दें तो वो भी, अगर आपका सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, अच्छा है, तो वो 70-80 बालों को भी 100 दिखा सकता है। उसकी कलाकारी, उसका हुनर है, उसके पीछे लगाता है तो उनको 100 दिखा सकता है। ये बात बहुत समझदारी की है, अगर वो 100 लगाए तो 115 दिखे, 120 दिखे, वो ऐसा कर सकता है। आपका सर्जन अगर हुनरमंद है और वो एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है तो। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कैसा भी हो वो अच्छा होगा अगर आप उसको एक डॉक्टर से कराएंगे। अगर आप ग्रे मार्केट के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सस्ते के चक्कर में, जहां टेक्नीशियंस आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वहां आपको किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। डेंसिटी तो छोड़िए, जान तक का खतरा हो सकता है। तो हर जगह जहां जाएं डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर से ये सवाल ज़रूर करें कि आप ही करेंगे ना मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसा तो नहीं आप दूर बैठे रहेंगे और कोई और करता रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का संबोधन रोकता हूँ। आपको शुभकामनाएं एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। प्रणाम।